हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक और नई रेसिपी जिसे खा के आपको मज़ा ही आने वाला है और आप भी खो जाएंगे कहीं किसी वादियों में, पहाड़ों में। तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। समझ रहे हो? कोई पहाड़ों में समझ रहे हो? घूमने जाता है तो समझ सभी रहे हो का ना? मन करता है कि हम पहाड़ों वाली मैगी ज़रूर ट्राई करें। तो सेम वही टेस्ट क्यों ना घर में भी लाया जाए और हम घर में भी वही टेस्ट लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो जो पहाड़ों में जो लोग मैगी बनाते हैं वो लोग कभी भी मस्टर्ड ऑयल का या कोई भी ऐसे ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं। तो या तो वो लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं या फिर यूज़ किया हुआ ऑयल ही यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी कढ़ाई अच्छे से बहुत ही धुआंधार गर्म होनी चाहिए और फिर आप उसमें जो है लगाइए। तो आप लोगों ने देखा होगा जो लोग मैगी बनाते हैं उनका बर्तन हमेशा जला हुआ रहता है और जो है थोड़ा सा उसी में वो बार बार बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है, देख के चले जाते हो। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे बुरा डाल लगता है दिया भाई, है आप लोग भी जानते अपना हो। प्याज और प्याज डाल के हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया है थोड़ा सा पिंक होने तक। और इसी के साथ हमने डाल दिया है इसमें स्वीट कॉर्न, टोमेटो और इसी में ऐड कर देंगे हम कैप्सिकम। इसी के साथ हमने बारीक कटी हुई गाजर रखी थी वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं पर ज़्यादातर पहाड़ों में यही सब्ज़ियाँ ऐड की जाती है। तो मैंने आपको सेम वही टेस्ट और वही फ्लेवर दिखाने की कोशिश की है। अब आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती पर आप देख के टेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि बिल्कुल वही टेस्ट लाने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो देखें, और फ्रेंड्स यकीन मानिए, आप जब घर में ऐसे बना करके खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और आप वाह। टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और इसी के साथ 1 ग्लास पानी। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मैगी बनती है थोड़ी सी सूखी रहती है, उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, वो लोग बिल्कुल भी पानी नहीं सुखाते हैं, इसलिए थोड़ा पानी हम यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। और अब यहीं पे ऐड कर देंगे हम अपनी मैगी। तो हमें जो भी मैगी जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए हमको उस हिसाब से अपने वेजेस की क्वांटिटी रखनी है, उसी हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 5 रुपए वाली मैगी यूज़ की है। उसी के साथ हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे, 1 मैगी मसाला पैकेट, और अब इसे अच्छे से कुक करेंगे और इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट में हमारी मैगी बनके हो गई तैयार और उसके बाद हम इसे फटाफट से सर्व करेंगे। तो जब मैगी बनती है तो बहुत जल्दी होती है लोगों को कि बस जल्दी जल्दी बन जाए और हम इसे कितनी जल्दी एंजॉय करें। तो देखिए, ये बन के रेडी भी हो गई है। इसी में हमने ना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा, कलर और फ्लेवर दोनों ही अच्छे आ जाते हैं। तो देखिए, देखने में कितनी लाजवाब लग रही है, मतलब खाने के बाद तो फिर पूरा टेस्ट वही पहाड़ों वाला ही आने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप घर पे ही पहाड़ों का टेस्ट लेंगे। बस हाँ, वो पहाड़ आपको नहीं मिलेंगे जहाँ बैठ के आप खा सकें। तो देखिए, काफ़ी अच्छी हमारी मैगी बनके रेडी हो गई है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और जाने से पहले प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये पहाड़ वाली मैगी आपको कैसी लगी। तो चलिए जी, अब यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया ख़त्म, आप एंजॉय कीजिए, हेल्थ रहिए।